गाइस वेलकम बैक टू नाजाइज मोटर्स। और जैसे कि तुम सबको याद होगा, सिर्फ पिछले एपिसोड में मैंने काफी अच्छी अर्निंग कर ली थी और उसके बाद भी मेरे शोरूम पे फिलहाल में दो गाड़ियां और एक ट्रक पड़ा हुआ है, जिसमें से हाँ एक अपनी खुद की सुपरा है। हाँ सुपरा तो नहीं है, लेकिन सुपरा जैसी स्पीड है उसकी। तो गाइस आज अपन और कुछ तगड़ी तगड़ी कार्स लाने वाले, क्योंकि अब अपने पास नेट बैलेंस है 14,000 और उन दो गाड़ी और एक ट्रक के बाद। सो लेट्स गो। ओके तो अभी मैं आ गया अपने नाजाइज मोटर्स पे। और गाइस मैंने ये ट्रक को भी ऑफलाइन आके सही कर दिया था, पता नहीं क्या अगली चार की डिवाइस पे मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, बट एक बार मैंने गेम रिफ्रेश करा इस ट्रक में मैं बैठ पाया, तो इसको मैंने कर दिया है पीछे और ढंग से कर दिया है पार्क। अभी थोड़ा बहुत कचरा जो अपनी ऑफिस के बाहर पड़ा है, ये गंदे लोग फेंक जाते हैं, उसको उठा के अपन डाल देते हैं कचरे के बॉक्स में। और भाई ये बंदा वापिस आ रखा है, आज के दिन इसको भी हायर करेंगे। अभी नहीं एक दो गाड़ी बिक जान दो। और आज मैं गाड़ी खरीदने जाने वाला हूं अपनी इस धन्नो से, और ये धन्नो नहीं भाई सुपरा है, ये सुपरा ठीक है, सुपरा लिखवा दूंगा इसको, नेम प्लेट हटवा के सुपरा लिखवा दूंगा, लेकिन फिर पुलिस पकड़ लेगी। चलो पहले अपन ऑफिस तो ऑन करें, और ये ट्रक को भी सेल पे लगाना है। ट्रक सेल पे नहीं लगा हुआ है, बस मैंने ऑफिस के अंदर ढंग से पार्क कर दिया था। ये रहा अपना रशियन ट्रक, इसको अपन बेचने वाले हैं 10,000 में। अब तो खैर अपनी ऑफिस में आ गया, इसकी प्राइस लगा देते 10,000, मैं इसको लास्ट 5,000 में भी बेच दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खर्चा यार 4,000 रुपए से ज्यादा करा हुआ है, तो इतना तो चलता है यार ठीक है। होंडा सिटी भी लगा रखी है अपनी सेल पे, ये रही ठीक है, ये दोनों बिक जाएंगी। मैंने स्टोर भी ओपन कर दिया। ओके एक बंदा आ ही गया, तो इससे पूछ लेते हैं भाई क्या लेना क्या क्या दे रहा है। 8,000 की मैंने इसकी प्राइस रख रखी है अपनी होंडा सिटी की, और ये 5,000 दे रहा है। एक सेकंड रुकना, मैं ये भूल गया कि इस पे मैंने कितने रुपए खर्च करे थे। ओके इस पे मैंने 3,500 रुपीस खर्च करे हैं, और बंदा 5,000 दे रहा है यार। नहीं यार रुक जाओ, एक और बंदा आया, इससे पूछते हैं। बंदी है ये बंदी। ओके चलो 8,000 इसकी प्राइस है, मैम आप बताइए आप कितना देना चाह रही। मैम आप चलती बनिए एक बार इससे। ओह ट्रक के दो मेहमान आए हुए हैं, एक सेकंड रुको उनसे बात करने दो, पहले उनसे बात करने दो मेरे को। हाँ भाई 10,000 का ट्रक है, 10,000 में ले जाओ। ओके 5,000 में मैं बेचने को तैयार था भाई इसको। ये 5,000 ये कितने में ले रही है भाई? 5,600 बार्गेन करते हैं, इसको अपन बोलते हैं 6,500 में ले 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 ले। ओके लेट्स गो गाइस, आफत मिटी भाई साहब, इतना बड़ा मैंने ट्रक बेच दिया है चलो, और उससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है भाई मैंने। ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं करा है उससे मैंने। ओके डन, अभी इस कार को बेचने का टाइम आ गया, इस कार को मैं इससे बेचने वाला हूँ, बार्गेन करते हैं 7,000 में ले जाए, 8,000 की मैंने बता रखी है। ओके मना कर रहा है, 7,000 नहीं तो 6,500 लास्ट, चल ले जा। सेम ट्रक बेचा था मैंने इतने में, चल भाग जा नहीं चाहिए। ओके एक और पार्टी आई है, मोटी पार्टी है भाई, बड़ी छाती वाले। ओके ये मेरे को 5,200 दे रहा है, इसको मैं ट्राई करता हूँ 7,000 में बेचने का, एंड ओके नहीं माना, एक और ऑफर करते हैं इसको, चलो इसको 6,200 एकदम रीजनेबल रेट बता रहा हूँ भाई, ले जा इसको यार, अब बार्गेन भी नहीं कर सकता इससे मैं। एक और आया, एक सेकंड रुक जाओ इसको रख के रखते हैं। हाँ भाई अरे रुक जा भाई, वही रुक जा मैं बता रहा हूँ, एक ही गाड़ी मेरे शोरूम में। अच्छा अंदर और बंदा है भाई, अबे इसको रुक जाओ इससे पूछने दो पूछने दो भाई। ये बंदा ले रहा है 4,800, तू तो चला जाए यहाँ से। और मैम आप बताइए आप इसका 4,000। ओके भाई ये सही डील लग रही है मेरे को भाई, तू ले जा इसको ठीक है, तू ले जा, एक काम कर तू ले जा। चलो गाइस अभी चलते हैं नेबरहुड में, अब जाने में मजा आएगा ना भाई। 26,000 रुपए मेरे पास, 26,000 छोटी मोटी रकम समझिए क्या भाई। सी स्टाम अभी चलते हैं फटाफट से नेबरहुड में, और शायद नेबरहुड इधर की साइड ही पड़ता है। हाँ इधर की साइड ही पड़ता है नेबरहुड, बस इस गाड़ी को कुछ डैमेज ना हो। ओ शिट 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 शिट, नहीं बहुत तेज चला रहा हूं मैं, बहुत तेज चला रहा हूं गाइस, ऐसे तो अपनी गाड़ी ठुक सकती है यार, स्लिप बहुत करती है गाड़ी, दिक्कत ही है बाकी कोई दिक्कत नहीं। इधर की साइड ही है, और तुम अबे रॉन्ग साइड आ रहे हो सालो, रॉन्ग साइड, सीधी साइड नहीं चलाई जा रही भाई इन लोगों से, बताओ कोई बात है? रॉन्ग साइड गाड़ी लेके आ रहे, फिर बोलेंगे ठोक देते। ये देखो ये जा रहे हैं ना सही साइड, ये होती है बात। अभी नेबरहुड आ गया, नेबरहुड आ गया, ठुक गई। पर्सनल गाड़ी गाइस कोई बात नहीं, पर्सनल गाड़ी थोड़ी बहुत अपन ठोक सकते हैं, कस्टमर को जो बेचनी वो गाड़ी नहीं ठुकनी चाहिए, बाकी ये तो अपना राज है। इससे पूछते हैं अपन अपनी गाड़ी को यहीं पार्क करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत पैदल चल के जाएंगे, इतना पेट्रोल खर्च नहीं कर रहे। इसको अपन यहाँ खड़ी कर दी, भाई आप बताओ कितनी की ले रहे हो? अभी अभी आप मेरे यहाँ से गाड़ी लेके गए अपना 20 की दे रहा है, मैंने सोचा था 4-5 गाड़ियां लेके आऊंगा एक साथ। हट जाओ भाई पैदल जाने दो मेरे को, गाड़ी बहुत दूर रह जाएगी, पैदल नहीं जा रहे अपन गाड़ी से चल रहे ठीक है, बहुत दूर दूर गाड़ियां हैं आज, हर कोई गाड़ी नहीं बेच रहा है, तो अपन चलते हैं अपनी गाड़ी से, लेट्स गो। ये देखो भाई भाई पिकअप पिकअप, देखो भाई इसका पिकअप, अबे यार पिकअप के साथ ड्रिफ्ट बहुत कर, लेकिन इसके टायर बदलवा देंगे गाइस तो मस्त हो जाए गाड़ी यार। इन दोनों गाड़ियों में से ना मेरे को कोई सी गाड़ी पसंद नहीं आई, ये वाली गाड़ी मैं पूछ सकता हूँ बट रहने दो। आगे चलते हैं, और इनके पास एक फूड वैन है और एक गाड़ी है अच्छी सी, जो कि मुझे लग रहा है सस्ते में नहीं मिलेगी, क्योंकि BMW का कोई तो मॉडल लग रहा है ये। एक सेकंड पूछने दो कितने की। हाँ देखो BMM है, मतलब वही 83 भाई 83, भाग जाए यहाँ से, चल फूड ट्रक लेके चले गए। नहीं यार ट्रक वगैरह ना पहले बहुत बैंड बजा रखी मेरी। अभी किधर की साइड है भाई, दूसरी सोसाइटी? ओके इधर की साइड थी, आगे इधर शायद अपने को कुछ अच्छा मिल सकता है, और मैंने बोला था ना इधर हमेशा
पैसा अच्छा मिलता है। इस वाली सोसाइटी में पता नहीं क्या ही चक्कर है भाई, इधर गाड़ियां थोड़ी सस्ती और अच्छी मिल जाती है। ओके ये मेरे को लगता नहीं है 10,000 से कम की मिलेगी। 16,000 भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए यार। भाई 2-4 गाड़ियां ले जान दो मेरे को, शोरूम भर लेने दो, शोरूम पूरा खाली पड़ा है। ओडी है भाई, 14,000 की दे रहा है, ओडी लिखे आ रही थी, लेकिन ठीक है शायद एलॉय व्हील्स वगैरह है, इससे अपन बार्गेन कर सकते हैं। इससे बार्गेन करते हैं अपन डायरेक्ट 10,000 का और मैं ले जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अरिश टू एंड ऑफ माय पेशेंस है, क्यों बे मैंने तो एक ही बार प्राइस चेंज कराई तेरे से। चल एक काम कर 1100 ले ले, 11,000 सॉरी 11,000 दे रहा हूँ, 1100 नहीं है याद रख। अरे भाई ये आदमी गुस्सेल था यार, इस आदमी ने तो मना ही कर दी, डायरेक्ट मुंह पे मना कर। रुक जाओ गाइस आगे देख के आने दो, आगे एक और कार खड़ी है और मैं पैदल ही जा रहा हूँ भाई, उस गाड़ी को पार्क करो, उतारो, पार्क करो, इससे अच्छा तो बस से आ जाओ। ओके गाइस ये वाली गाड़ी मिल गई, ये गाड़ी मैं लेके गया हुआ हूँ, बट ये अलग है, ये शायद थोड़ी महंगी मिले, आई डोंट नो। 44 यार मिली नहीं थी भाई, कोई खुद के लेवल की गाड़ी मिल जाए मजा आ जाए थोड़ा। सर जी आप बताइए, अब आप ही लास्ट ऑप्शन बचे हो मेरे पास। 9,000 बार्गेन करके देखते हैं, इससे 5,000 नहीं, 5,000 तो फिर गुस्सा हो जाएगा ये आदमी, 9 की दे रहा है ना, 7,000 में दे दे, दे, दे बे। चल 8,000 बस, 1,400 रुपीज कम कराए, ज्यादा नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन बाबू। अभी गाइस सबसे पहले तो इस कार का देखते हैं कुछ डैमेज है कि नहीं है। ओके डैमेज है तो इसको अपन रिपेयर करने के लिए भिजवाने वाले हैं। एंड लेट्स गो, एक कार अपन ने खरीद ली है, 1,800 ऑफ करा ली थी 9,000 पे। हाँ चलो अभी अपन ने एक कार तो खरीद ली है, मैं क्या कह रहा हूँ यार एक और कार मिल जाती तो मजा आ जाता, और मेरी कार रास्ते में खड़ी है, सॉरी गाइस उसके लिए, लोग बैग रुके पड़े पीछे, रुक जाओ भाई आ गया मैं आ गया। इस कार को ये दे रहा था 10,000 में ना, ला भाई ये कार और दे दे, ले जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, 14,000 में दे रहा ना, वो बार्गेन भी नहीं कर सकते गाइस, लेनी चाहिए कि नहीं, बहुत महंगा सौदा हो जाएगा यार अगर ये बिकी नहीं है तो। छोड़ो मैं नहीं लेके जा रहा, नहीं यार और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, फिर क्या मतलब एक गाड़ी ले जाके, दो गाड़ी लेके जा रहा हूँ गाइस, छोड़ो बार्गेन मैंने स्टार्टिंग में गलत करी इससे इसलिए दिक्कत आ गई है। बाय करते हैं इस कार को एंड लेट्स गो, ये कार मिल चुकी है, इसकी कंडीशन देखते हैं, एंड टॉप नॉच कंडीशन है भाई, बहुत सही। चलो ये थोड़ी सी डैमेज हो गई थी ना कार मेरी, इसको अपन रिपेयर पे भिजवा देते हैं और इस कार को लेके चलते हैं अपन खुद, लेट्स गो। भाई टायर क्या भार आ रखे हैं इसके, अजीब से लग रहे हैं भाई, लेकिन टायर गंदे क्यों करा देते हो भाई, टायरों को अलॉय व्हील्स लगवाएं, कुछ अच्छे वाले लगवाते, ऐसे टेढ़े लग रखे हैं भाई। कोई बात नहीं गाइस, बस इसको अपने को साफ कराना है और बेचनी है भाई, इसको कम से कम 20,000 की प्राइस रखेंगे, और 14 की तो अपन लाए हैं यार, तो 20 में बेचने का ट्राई करेंगे, बाकी तो लोग बाग जितने दे जाए फिर वही वाली बात है, बेचनी तो है ही अपने को। बाकी यार ये बंद कर दिया इन लोगों ने, वाओ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पार्क कराता हूँ एंड उतरते हैं, लेट्स गो। यहाँ से चलते हैं अपन डायरेक्ट घर पे और घर से वापस आएंगे यहाँ। चलो भाई आज के दिन गाइस अपने को बहुत बड़ा फटका लगने वाला है, देखो अपन रिजल्ट अपना -10,000 भाई। खैर कोई बात नहीं, अपन ने दो दो तीन तीन गाड़ियां भी तो खरीद ली, चलो अभी अपने पास सिर्फ 3,000 है और ये भी गाड़ी वगैरह रिपेयर करने में चले जाएंगे, तो फटाफट से चलते हैं इधर की साइड, अपन इसको करवाते हैं वॉश और इसको डायरेक्ट सेल पे लगाएंगे, फिर अपनी दोनों गाड़ियां रिपेयर करवाएंगे। चल भाई इसको कर दे तू वॉश कर दे, देर से क्या ही कहने, ये मैं भी नहा लिया भाई इसके अंदर, मैं भी नहा लेता हूँ, क्या है मेरे कंटेनर में अभी बाथरूम तो है नहीं, तो यही नहा लेता हूँ गाइस मैं, क्या करूँ मेरे $50 ये ले जाता है सारे के सारे, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत बच जाता है पैसा। अभी अपनी गाड़ी 100% साफ हो चुकी है, बैठते हैं इसके अंदर और चलते हैं यहाँ से। भाई गाड़ी बढ़िया तो लग रही है, बस ये टायर बाहर की साइड है ना वो मेरे को थोड़े अजीब से लग रहे हैं, अभी अलॉय व्हील्स कैसे डलवाए भाई ने भाई जाने। वैसे अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वो लाल वाला बटन दबा के, बाकी आजकल तो ग्रे आता है वो, जो भी भाई उसको सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि तुम्हें सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी लेट्स कंटिन्यू द गेम। ओके ठोकनी नहीं है इसको, बहुत महंगी गाड़ी है भाई ये, एक मेरी शायद सबसे महंगी गाड़ी होगी जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही, इससे भी महंगी गाड़ी लेंगे वो पसंदीदा गाड़ी लेंगे भाई, कोई बात नहीं। इसको मैं लगवाता हूँ अपन डायरेक्ट अंदर लगवा देते हैं एंड लेट्स गो, इंजन बंद करो। अभी चलते हैं अपन ऑफिस के अंदर और इसको लगवा देते हैं सेल पे, इसका नाम ऑडी S4 है भाई, कोई बात नहीं। इसको अपन ने खरीदा है 14,200 में और इसको मैं लगवाने वाला हूँ डायरेक्ट 20,000 एंड पुट इट ऑन अ सेल, लेट्स गो। जब तक मैं थोड़ा बहुत कचरा उठवा के इसके अंदर डलवा देता हूँ, डन। मैंने अपनी ऑफिस पूरी साफ कर दी है और ऑफिस ओपन भी है, थोड़ी देर में कस्टमर आते होंगे, जब तक मैं अपनी दोनों कार सही करवा के आ जाता हूँ। बाकी यार मेरी कार में तो फालतू का ही खर्चा हो रहा है, मैं इसको अब अगर ठुकी है तो सही नहीं करवाने वाला जब तक ज्यादा खराब नहीं हो जाती, ठीक है। ये 41 ले रहा है, ठीक है, हाँ ज्यादा खराब नहीं थी ये गाड़ी जो मैं खरीद के लाया। बाकी ये कितने ले रहा है भाई, 50। भाई मैंने इतनी तो ठोकी भी नहीं यार, चल ठीक है तू कर भाई सही इनको कर। बाकी कस्टमर आ गए ऑफिस में, एक कार लेके जाने वाला हूँ मैं यहाँ से, ये वाली, और ये डर्टी, ओ शिट गाइस ये कार डर्टी भी तो है, डर्टी डर्टी। चलो ठीक है इस कार को मैं वॉश करा के लाता हूँ, फिर देखेंगे ऑफिस के कस्टमर्स को, या फिर एक बार देख के चले, क्या कहते हो कि इस पे कितनी प्राइस लगा रहे हैं लोग बाग, दिखाना भाई कितनी प्राइस में लेना चाह रही है इस गाड़ी को तू। 20,000 मैंने बताई है, ठीक है। एक और बंदा आया है 17,000, हट जा 17,000, ये 14,000 में तो मैं लाया हूँ यार, ऐसे मत करो 17,000, नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, चलो हट जा, मुझे जाने दो कार वॉश कराने, तुम लोगों से माता फोड़ी नहीं करनी मेरे को, ठीक है। इस कार को वॉश करा के लाता हूँ और ये अलग भाई वेन सी लग रही है, इसमें किडनैपिंग करते हैं ना, मतलब किडनैपिंग वाली वेन नहीं है ये, लेकिन इसमें भी किडनैपिंग कर सकते।
सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे थोड़े पता है, ऐसे लोग लेने आते हैं ना गाड़ी को तो पैसा ज्यादा देके जाते हैं क्योंकि इनलीगल काम करते हैं, करेंगे ना फिर वो इसके अंदर। तो ऐसे लोग आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में तो मेरे को पैसा मिलेगा खूब सारा, बाद में अच्छे लोगों को गाड़ी बेच लूंगा मैं। ले भाई तू ले 50 रुपए तेरी। अरे गाड़ी इतनी गंदी दिख नहीं रही तेरे को, गाड़ी क्या कहना चाह रहा है, गाड़ी ढंग से पार्क भी कर दी, अब बता क्या कहना चाह रहा है। हाँ यही ना बात, चुपचाप साफ कर दिया गाड़ी, ठीक है ना। थोड़ी सी पीछे लगी हुई थी, क्या दिक्कत थी, यहाँ तक लगी हुई थी ना गाड़ी। और देख तेरे ये यहाँ तक आते हैं, ये देख तेरे यहाँ तक आते, दिक्कत क्या है तेरे को साले। थोड़ी सी तो पीछे खड़ी थी गाड़ी, बदतमीजी कर रहा है मेरे से, मार दूंगा सौड़े को, चढ़ मार। चल चल बता गाड़ी कितनी साफ हुई, मुंह मत लगा कर मेरे। चल भाई गाड़ी साफ कर फटाफट बढ़िया। ये दाग मिटा, इधर पहुंचा लगा साले, पहुंचा इधर, ये देख यहाँ पे दाग। ओके चल ठीक है, माफ किया तेरे को, आगे से घुमा के ले जाऊंगा मैं गाड़ी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पीछे से मोड़ू। ये वो आगे से भी तो ले जा सकते हैं गाड़ी को, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी। चलो भाई, हमेशा मैं बैक करके लेके जाता था, आज के बाद मैं आगे से ले जाऊंगा गाड़ी को, इतनी माथा फोड़ी नहीं। और इस गाड़ी को भी लगाते हैं सेल पे। ये आ गया अपना शोरूम, और इधर ले और लगा दे, बस रुक जा रुक जा रुक जा, ढंग से पार्क कर इसको, और थोड़ा सा आगे, बस पीछे ले बस 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 बस, इंजन ऑफ करो, इस गाड़ी से उतरो, और इस गाड़ी को भी लगवाते हैं अपन सेल पे। ये अपनी गाड़ी है, राड़ा राज स्टेशन जो भी है, वैगनार लिखा हुआ है आगे, पता नहीं क्या लिखा हुआ। चलो इस पे अपने टोटल रुपीज लगे 8090, तो इसको अपन 15,000 में बेच देते हैं, बाकी कस्टमर जो भी बार्गेन वगैरह करेगा कर लेगा। इससे पूछते हैं भाई तू कितनी प्राइस में लेना चाह रहा है इसको, तू नया कस्टमर लग रहा है थोड़ा, आज तक हमारे कॉन्टेक्ट में आया नहीं है। 17,000 ठीक है, इतने ही ले रहे हैं सब लोग। और तू बता भाई ऑफिस वाला बंदा क्या पता महंगी लेके जाए गाड़ी, 17,100 नहीं यार ये ले रहा है, थोड़ा सही डील ले रहा है, इससे अपन बार्गेन करके देखते हैं। लेट्स गो बार्गेन करते हैं, इससे अपन बोलते हैं 20,000 की बेच रहा हूँ ना मैं, 19, ओए भग गया साड़े तेरी, तेरा कद्दू काटू। चलो कोई बात नहीं गाइस, इससे पूछता हूँ मैं बार्गेन 19,000, और ले जा इस गाड़ी को, चल 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 चल। ओ गाइस 19,000 में ले गया भाई गाड़ी, चलो बहुत सही। अभी ये गाड़ी सेल पे लगा दी ना मैंने, हाँ ठीक है ये गाड़ी मैंने सेल पे लगा दी है, बाकी अपना ऑफिस भी ओपन है। अपन अपनी गाड़ी लेके आते हैं और वापस से चलते हैं नेबरहुड में, या फिर इस गाड़ी से चलूं कि नहीं चलूं यार मेरे को समझ में नहीं आ रही। एक तो गाड़ी में मैं अंधाधुंध चलाता हूं, देखता हूं नहीं चलाता, तो ये दिक्कत हो जाती भाई। चल भाई चल, और ये ओके अपनी गाड़ी गंदी भी हो चुकी है भाई। इसका जो पिकअप है ना बहुत सही है, मैं नहीं बेचने वाला इसको, नहीं बेच रहा तो नहीं बेच रहा मैं। अबे यही तो गंदा लगता है, ये देख लेकिन इसको सॉफ्टली चलाओ ना तो बहुत सही चलेगी गाड़ी। चलो चलते हैं, कोई बात नहीं अपन नेबरहुड चल रहे हैं, ये गाड़ी अपनी ही रहने वाली है। इस गाड़ी को अपन जब तक नहीं देंगे जब तक इससे स्पीड वाली गाड़ी अपने पास आ नहीं जाती, ठीक है। और यहाँ रोकना पड़ेगा मेरे को, ये गाइज अरे यार अरे अरे भाई ऐसे होगा तो कैसे काम चलेगा। अभी 50 रुपए लगवा के आया था इसके अंदर में। इसमें गाइज नाइट्रोजन का ऑप्शन है क्या, ये देखो ये जो स्पीड वाला मीटर आ रहा है ना N2O लिखा हुआ है, ये कैसे काम करेगा। रुक जाओ NOS ऑल्ट दबा के चलेगा, रुक जाओ गाइज इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, एक सेकंड रुको इसको हटने दो। चलो यहाँ पे टेस्ट करेंगे एंड लेट्स गाइस, लेकिन भाई पेट्रोल बहुत खरा है ये, अभी नहीं कर रहा मैं ये वाली टेस्टिंग नहीं कर रहा, मेरी वैसे भी नॉर्मल बहुत चल जाती है यार, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे। ये फिट ठुकेगी भाई, ये जो ड्रिफ्ट मारती है ना फालतू की, बहुत घटिया है भाई इसकी ड्रिफ्ट, लेकिन ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं। अपनी प्यारी धन्नो है, धन्नो को बेचूंगा तो नहीं मैं। और सामने गाइस सामने गाड़ी देख रहे हो तुम, वो पहले इससे पूछते हैं, ये गाड़ी शायद मेरे को सस्ती सी लग रही है, इसको एक अपन पहुंचा दें तो 13,000 हट जाए एक सेकंड के लिए। भाई ये देखो यार, अगर ये गाड़ी मिल गई ना तो ये रख लूंगा मैं, लेकिन यार ये बहुत धीरे चलेगी, रुक जा बता कितने की दे रहा है। 24 बार्गेन कर इस, और पूरे 21 ले ले यार, 1,000 तो रखने दे, 1,000 तो रखने दे यार, थोड़ा सा सही भी करानी है, साफ भी करानी है। थैंक यू फॉर ओके लेट्स गो गाइस, मैंने पूरा पैसा खर्च कर दिया है इस पे। और रुक जा उसने मान लिया तो कहीं डैमेज तक नहीं है कार, चला के देखने दो एंड लेट्स गो। ओ भाई क्या है ये, सही है, रुक जाओ मेरी वो वाली कार तो यही रह जाएगी, वरना यार बड़ी प्यारी सी कार है, लेकिन इसको बेचेंगे क्योंकि बहुत पैसा चला जाएगा, वरना अगर इसको अपन रख लेंगे तो अटक जाएगी भाई, सारा पैसा अटक जाएगा अपना इसमें। 20 भाई कितने का दिया मेरे को तो भूल भी गया मैं तो। रुक जाओ इस कार को अगर अपन टो ट्रक बुलाते हैं तो क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आता। योर कार विल बी टावर्ड टू द फर्स्ट पार्किंग बे आउटसाइड योर ऑफिस, ओके मेरे ऑफिस में पहुंच जाएगी एंड लेट्स गो, मैंने पहुंचा दिए, अभी अपन चलते हैं इस कार से। बाकी एक अपने को स्किल पॉइंट मिल गया है और जिससे मैं बढ़ाने वाला हूं बार्गेन स्किल्स, या फिर अब कुछ नया खोले यार बताओ क्या कहते हो। अपनी बार्गेन स्किल्स 3 खुल रखी है, अगर एक और खोल देते ना तो अपन बहुत अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हैं। और जैसे कि तुम्हें याद होगा कि अपने पास ये वाली एबिलिटी नहीं होने की वजह से अपन एक बार बहुत बड़ा पैसों में धोखा खा चुके हैं, लेकिन यार मैं क्या कह रहा हूँ बार्गेन ही खोल रहा हूँ और बार्गेन मैंने पूरा कर दिया, हैप्पी कस्टमर तक खोल दिया, कस्टमर आर लेस एंग्री नाउ, ठीक है। तो अब शायद वो एंग्री नहीं होंगे और अपने को अपने से महंगी गाड़ी लेके चले जाएंगे, तो क्यों ना ट्राई करते हैं इस गाड़ी को और महंगी बेचने का। और इस गाड़ी को मुझे लेके जाना है कहां से, बस ओ भाई ये भी तेज तो चल रही है, ऐसी बात नहीं कि तेज नहीं चल रही, ठीक है मैं शायद अपोजिट जा रहा हूं। हां रुक जाओ, लेकिन अब ओ नेबरहुड के आगे अपना कंटेनर है गाइस, ओ बच गया अभी तो ठुकता भाई पेड़ के। चलो मेरे को कंटेनर की लोकेशन भी पता पड़ गई, अभी तक मैं वहां पे
बस से जाता था, अब मैं कार से जा सकता हूँ, मेरे को पहले लोकेशन पता नहीं थी। और भाई गोल्डन कलर की अलग है भाई, मजा आ जाएगा इस गाड़ी को साफ कराने के बाद। गोल्डन है कि ब्राउन है मुझे ये समझ नहीं आ रही। अरे हट जा भाई सामने से। चलो गाड़ी को मैं लेके आ गया हूँ, हट जा भाई, बच गई, थक जाती है अभी। चल 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 इसको धुलाने रखते हैं अपनी छोटी सी। भाई बड़ी सही गाड़ी लग रही है, बड़ी महंगी आई है लेकिन गाड़ी आई भी बड़ी सही। चल इसको साफ कर ढंग से करिए, ठीक है? और तू कर, तू अपने हाथों से कर, इससे स्क्रैच लग जाएंगे। सॉलिड स्क्रैच लगे ना इस पे मार दूंगा। 20,000 की गाड़ी है वो, 20,000 की गाड़ी। हाँ क्या बात है, क्या बात है, 21,000 की गाड़ी सही, 20 की भी नहीं। चल रहा कितना साफ हुआ, ओके पूरी साफ हो गई। और एक सेकंड, अबे गाड़ी आधी साफ करके भग, भाई कोई बात है, काली कलर ये क्या, गाड़ी पूरी साफ हो गई है। ओके गाड़ी से फुल डस्ट हट चुकी है। और भाई यार ये गाड़ी मैं रख लूं क्या भाई, ब्लैक कलर की और होगी, पता नहीं गोल्ड कलर की दिखा रहा था। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये गाड़ी अगर मैं ऑफिस पे खड़ी करूंगा ना तो शायद रात भर में वापस से डर्टी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं यहाँ से चलता हूँ अपने कंटेनर में और फिर वापस से आऊंगा यहीं पे। लेट्स गो, फटाफट से सोने चलते हैं भाई, आज का लॉस बहुत तगड़ा है, सिर्फ 2,000 का लॉस। ओके मैंने अर्न भी तो बहुत अच्छा खासा कर लिया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से चलते हैं वापस से अपने गैस स्टेशन, गैस स्टेशन पे अपना कार वॉश। और भाई मैं आ गया हूँ, मेरी गाड़ी दे दे चमचमाती हुई। यार ब्लैक कर दी यार, गोल्डन होनी चाहिए थी, इसका कलर गोल्डन होता ना तो मजा आ जाता। बाकी कार गंदी तो नहीं हुई ना, रात भर में 10% डर्टी हो गई है। वाओ गाइस मैं इसको ना पूरी साफ करके बेचने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पे भले 50 रुपए और लग जाए यार, लेकिन भाई रात रात में भाई यहाँ खड़ी भी डर्टी हो गई, बताओ कोई बात है। भाई मुझे शोरूम बनवाना पड़ेगा प्रॉपर जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि यार ऐसे में 50-50 रुपीज रात रात भर में नहीं दे सकता यार, बहुत गंदी कर देते हैं गाड़ी को। बाकी हाँ इस जगह पे अगर मेरा स्पॉन्ज होता तो फिर वापस वही बात है कि मेरे वो काम आता, लेकिन यार बार्गेन स्किल खोल लिए, वो भी देखते हैं ये इस गाड़ी को कितने में बिकवाती है। लेके चलते हैं फटाफट से, और पीछे क्यों ले जा रहा हूँ, आगे से निकालेंगे इस गाड़ी को, छोटी सी तो है। ओके बच गया, एंड लेट्स गो भाई। ओए ओए ठुकना मत, बस ठुकना मत, चलता रहे फटाफट से। ब्लैक कलर की गड्डी ले आया हूँ, ले लो गाइस काली गड्डी ले लो तुम, और इसको पार्क कराता हूँ भाई प्रॉपर ऑफिस के अंदर, पार्क करा दूं, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है, लेकिन अंदर ले जा नहीं सकते, इसको यही पार्क कराते हैं। और इसको मैं लगाने वाला हूँ सेल पे, लेट्स गो। बोतल नाम है साड़ी का, बुलेट नाम होना चाहिए था बुलेट। ओके 21,000 की मैंने इसको ली है, 100 रुपीज मैंने इसमें लगवाए, एंड इसको मैं 30,000 में बेचने वाला हूँ, पुट इट ऑन अ सेल एंड डन। भाई ऑफिस ओपन है, थोड़ा बहुत कचरा आ गया है जो कचरे को मैं साफ कर देता हूँ। एक ये रहा मैडम, अरे दादी अम्मा तुम वो खरीदो, तुम्हारे जमाने की कार लेके आया हूँ मैं, देख रहे हो तुम भाई, मेरे को देख के मजा आ जा रहा है, ऐसी कार है। चलो कोई बात नहीं, आप इसका बताइए मैम, ये कार आप कितने में लेना चाह रही है? 15,000 मैंने प्राइस लगाई और 11,000 में ले रही हूँ, रुक जाओ ये मैं कितने में लेके आया था इस कार को जरा मैं भी देखूं, मैं इसको लेके आया था 8,000 में। ओके मैम 11,000 देने को तैयार है, तो इनसे बार्गेन करते हैं और मैं इनसे 14,000 मांग के देखता हूँ, एंड लेट्स ऑफर। ओके मना कर दिया 11,000, तो इनको मैं लास्ट शायद 12 में तो ये मानी जाएगी, 13,000 ले लो यार प्लीज प्लीज। ओके गाइस, अबे दो कस्टमर और थे, मैंने देखा नहीं भाई, उनसे पूछ लेता मैं कितने की ले रहे थे, लेकिन ठीक है गाइस। एक मोटा भाई तुम लड़का हो कि लड़की हो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। 30,000 की प्राइस है, आई नीड टू थिंक दैट्स फेयर प्राइस, बार्गेन करता हूँ 35,000 में, अगर ये ले ले तो फंडिंग द कुड लोअर द बिट। यार ये 30,000 में मान रखा है, आई एम हेडिंग आउट नाउ, 32 में ले जा, जा भाई खूब पैसा मिल जाएगा इस पे। ओके चल तू 31 में ले जा, यार इसकी मैंने प्राइस ही 30 डाल रखी ना, उससे ज्यादा मैं लेगा ही नहीं। अरे यार चल तू जा लेके जा। ओके लेट्स गो गाइस, उसके लिए एक और कस्टमर आ रखा था, लेकिन मेरे को भाई उसकी 30,000 मिल रहे थे एक ही बार में, मैंने उसको बेच दी और अभी मेरे पास 40,000 रुपीज आ चुके हैं। लेट्स गो धन्नो, वापस से चलते हैं अपन नेबरहुड में और तगड़ी तगड़ी गाड़ी लेके आते हैं। भाई देख रहे हो आज का प्रॉफिट, देख रहे हो 30,000 प्लस वहां से आए अपने को 20,000, नहीं कितने मिल रहे थे। ओके ओए ओए नहीं नहीं नहीं, हमेशा इसी पेड़ पे टकराती है भाई, हमेशा इसी पेड़ पे टकराती है गाड़ी, बच गई। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं नेबरहुड में, मजा आ गया भाई आज तो मजा आ गया। ओह भाई टकराते टकराते बच गई, आवाज तो आई बट डैमेज कुछ नहीं हुआ है, और मेरी धन्नो में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है यार, उसका भी मेरे को कुछ तो देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, पहले चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगर कोई अपने को मस्त सी गाड़ी मिल जाती है तो। आवाज बहुत कर रही है यार गाड़ी, अब इसको निकालना पड़ेगा इस गाड़ी को, मन थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है, जैसे मन भर जाएगा भाई इस गाड़ी को मैं निकाल दूंगा। एंड लेट्स गो, इधर एक डस्टर खड़ी है, अबे कहां जा रहा है, चलो एक डस्टर लेके आते हैं, और मतलब हाँ डस्टर है या फिर क्या है पता नहीं भाई, कौड़ा नाम है, और 23,000 की दे रही है, बार्गेन करके देखते हैं इससे, अगर ये मेरे को 20,000 में दे देगी
मिलेगी, तो मैं इसको ले जाऊं अभी इसी वक्त एंड लेट्स गो। मेरे को ये कार मिल चुकी है, एक कार मैंने खरीद ली है, अभी मैं आ गया हूं दूसरी कार पे जो कि बहुत महंगी लग रही है मेरे को, शक्ल देखने में महंगी लग रही है। 9,000 ऑफर करते हैं, जा एच कार 5,000 में ले ले। अरे यार चल 9,800 की दे रही है ना, 8,000 में दे दे, 1,600 तो कम कराए एंड लेट्स गो। भाई पता नहीं कैसे दे दी, BMW सी लग रही भाई मेरे को तो। रुक जाना, डैमेज भी नहीं है, ये वाली डैमेज है क्या, ये डैमेज है भाई। रुक जाओ इसको डायरेक्ट मैं टो कराने वाला हूँ, ठीक है भाई 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 देख रहे हो तुम। अभी 16,000 और है, अभी एक और कार लेके जाऊंगा, पोर्च नाम है इसका, 21,000 की दे रही है। अगर ये मेरे को देना 15,000 ले ले और दे दे इस कार को। अरे यार इतना ही सेटिस्फाई कर सकता हूँ, इससे ज्यादा सेटिस्फाई के लिए पैसा नहीं मेरे, पूरा ले ले भाई। अबे लिटिल बिट कितना ले उसको यार, सही भी तो करानी पड़ेगी गाड़ी को। 500 ले ले, 16,500 लास्ट है, देख इतना पैसे, ज्यादा पैसा ही नहीं मेरे। चल जा भाग, एंग्री हो रही है, एंग्री होती रहा मेरे को मतलब ही नहीं। ओके लेकिन अपनी कार अपने पास है यहाँ पे, इसको यार अपने को साफ करवाना पड़ेगा। तो अब मैं उस कार को लेके जाऊं कि इस कार को लेके जाऊं, भाई ये बड़ी आफत है मेरे लिए। चलो ये थोड़ी सी डैमेज है, इसको मैं अपने ऑफिस पर टो करवा देता हूं और इस गाड़ी को लेके चलते हैं साफ कराते हुए। चल मेरी धन्नो भाई भाई भाई, ये भी सही चल रही है। ओए ओए मिल गई, ओए मिल गई, ओए मेरे को नई गाड़ी मिल गई मेरे लिए। टूटना मत बस, लेकिन नहीं नहीं इसको बेचूंगा, अभी बेचूंगा गाइस, ऐसी गाड़ी और मिल जाएगी। बाकी एक सेकंड रुकना, मैंने इस वाली कॉलोनी में तो देखी नहीं भाई गाड़ियां, इस कॉलोनी में तो रखी गाड़ी। 2,000 की दो गाड़ी ले जाता हूं, ऐसी छोटी छोटी सी डब्बे जैसी। साढ़े तेरी गुद्दी में दूं 15,000 रुपए, इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो भाई तुम लोग, शर्म नहीं आ रही तुम लोग। हां भाई मैडम आप बताइए, 8,000 की गाड़ी बुरी नहीं है गाड़ी। रुक जाओ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, 8×16 8,000 की दो गाड़ी ले जा सकता हूं मैं, बार्गेन करके देखते हैं इससे। 6,000 में अगर ये मान जाती है तो, मान जा। ओके लो लग रही है इसको, तो 7,000 यार, अब तो कुछ कम ही नहीं करा रहा मैं, 1,200 रुपए कम करा रहा हूं, बताओ कोई बात है। ओके लेट्स गो गाइस, अपन ने ये कार भी खरीद दी है और ये बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा डैमेज है, इसको रिपेयर शॉप पे भेजो एंड लेट्स गो। अगर ये कार भी मेरे को मिल जाती है 2,000-3,000 रुपए की तो अच्छी डील हो जाएगी, मजा सा। 1,000 की ले, 1,000 ले ले तू पूरे। नहीं 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 नहीं, इसको मैं बोलते ही 500 रुपए हूँ, ठीक है 800 रुपए। अबे 8,000 कहाँ लिख रहा हूँ, लास्ट 1,000 चल दे 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 ब्रो दे दे। अबे नहीं यार चलो ठीक है छोड़ो, अपने को ये कार खरीदनी पड़ेगी 1,500 में जो कि मैंने खरीद दी है, इतनी महंगी थी नहीं। बाकी डैमेज मुझे बहुत लग रही है, हाँ मेरे को पता था डैमेज है ये, तो अब मैं टो भी नहीं करा सकता, सारा टो का सिस्टम ही खराब हो गया मेरा। चलो ठीक है इस वाली गाड़ी पे बैठते हैं, या फिर एक काम करूं इस वाली गाड़ी को यहीं रखने देता हूं। भाई 44,000 की मैंने कैसी आफत मचाई है भाई, देख रहे हो सारी गाड़ियां खरीद दी मैंने। लेट्स गो, इस गाड़ी को साफ करा के अपन लेके चलते ऑफिस में, इसके बाद अपन दूसरी गाड़ी लेके आने वाले हैं। बाकी मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है, एक गाड़ी मैंने और टो कराई थी जो कि मेरे ऑफिस पे रखने के लिए दी थी और वो गई कहां है। वेट करो भाई वेट करो, एक सेकंड मुझे वो देखनी है। और ये ओ फक भाई कितनी जोर से, अरे भाई मैंने बैंड बजवा दी पूरी कार की और इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, बहुत गंदी टक्कर हुई थी। कोई बात नहीं गाइस देखते हैं, अभी इसको साफ तो कराते हैं और मैं एक बार नेबरहुड वापस जाने वाला हूँ, जो एक गाड़ी रखी हुई है वहाँ पे उसको लेके आते हैं, ठीक है। नेबरहुड में एक गाड़ी रखी हुई है भाई मेरी, वो गाड़ी दे दो। किधर गई भाई वो कार, कहाँ गई जो मैंने खरीदी थी। ओके वोरी एंड लेट्स गो, इस कार को लेते हैं और फटाफट से चलते हैं, इसको भी वॉश कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यार मैंने यार वो इतनी प्यारी गाड़ी दौड़ रही थी और बहुत सही है भाई, वो गाड़ी बहुत सही है, लिटरली बहुत सही है। वो गाड़ी का पिकअप भी अच्छा है और स्पीड भी अच्छी है, जो मेरी धन्नो है ना भाई उसकी सिर्फ पिकअप अच्छा है, स्पीड अपने आप बन जाती है उसकी धीरे धीरे करके। लेकिन ठीक है देखी जाएगी जो होगा, पहले इसको लेके चलते हैं साफ वगैरह कराते हैं और जितनी देर में ये साफ होगी उतनी देर में मैं उस गाड़ी को अपने शॉप पे रखवा के आ जाऊंगा। और यार लेकिन उस गाड़ी को पहले निकालनी पड़ेगी, ले भाई पहले इस गाड़ी को निकालता हूं मैं। चल मेरी धन्नो थोड़ा सा आगे चल, तेरे को टुआ तो मैंने दिया ही है और फ्रंट पार्ट और डैमेज हुआ है भाई, आगे का इंजन विंजन सब चला गया होगा उसका, देखते हैं कितना पैसा लगेगा उसके अंदर। इसको गाड़ी को खड़ी करवाते और ले भाई जब तक तू इसको साफ कर, मैं आगे वाली गाड़ी घर तक पार्क करके आता हूँ। भाई देखो भाई पिकअप देखो इसका, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी और डैमेज नहीं करना है मेरे को इसको। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। और ये रही ना, हाँ ओके, ये जो पार्किंग होती है ना वो अपने ऑफिस के बगल में होती है गार्डन में। और भाई इसकी दोनों मैंने भर रखी है, एक और कार आ गई ऊपर से एंड लेट्स गो, घर ही जाना पड़ेगा और सारी कार वापस से डर्टी हो जाएगी, क्या ही कर सकते हैं भाई। मेरे को अब स्पॉन्ज खोल लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं अब खोल लेंगे। पहले चलते अपने कंटेनर में सो के आते हैं, सारी गाड़ी खराब हो जाएंगी, क्या ही बताऊं भाई। मैं गेट बंद करके सोएंगे भाई, हर बार गेट बिना गेट खोल के सो जाता हूं मैं, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां काट रखी है, बताओ गेट बंद करने का भी क्या ही मतलब है। खैर दिन हो गया है चलते हैं फटाफट से, भाई अटक गया मैं, दिन हो गया है फटाफट से चलते हैं अपन शॉप पे, शॉप नहीं भाई शोरूम बोला करो शोरूम, खैर मुझे भी आदत पड़ेगी धीरे धीरे। अबे नेबरहुड में कहां आ गया मैं, अरे भाई मैं नेबरहुड में आ गया हूं बताओ। चलो कोई नहीं, अगर 2,000 की गाड़ी दे रहा होगा तो गाड़ी से चलेंगे, देख रहे हो इतना पैसा हो गया गाइस, इतना पैसा हो गया 8,000 में दे रहा है ये आदमी, 6,000 में दे दे देख, जाना तो जा मत एक्सेप्ट कर, मैं आप
पे चला जाऊंगा साले, 10 रुपए लगेंगे, गाड़ी खरीद के इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूं भाई। चलो भाई ऑफिस जाना था अपने को, गलती से नेम रोड पे क्लिक हो गया। अभी चलते हैं फटाफट से ऑफिस पे। और ये ऑफिस का क्या कूड़ा दान बना रखा है भाई, कौन है ये, घटिया लोग हैं भाई जो भी है। बाकी आज के दिन गाइस कार मार्केट प्लेस ओपन हो रखी है, क्यों ना अपन वहां भी जाके आए, लेकिन 2-4 गाड़ी बेच के जाएंगे भाई, इतना पैसा ही नहीं अपने पास, 7,000 बचे हैं पूरे पूरे। फटाफट से इन दोनों गाड़ी को सही करवाते हैं। ले भाई ले, सही तो करवानी है, 400 रुपए लग गए। और ये गाड़ी मैंने ठोकी नहीं थी, इतनी खराब आई थी वो अपने आप ही, ठीक है। इसमें 300 रुपए लग गए, कोई बात नहीं भाई, लगवाओ लगवाओ, मैं भी सही कर दूंगा। अबे नीचे से तो पूरा पैक है भाई, ये थोड़ी शायद बड़ी गाड़ियां होती होंगी गाइस, मैंने तो देखी नहीं। तू कहां सही कर रहा, पैनल तो खोल ले नीचे। गाइस इनके बीच में अपने को क्या बोलने का, बाकी ये गाड़ी हो ही गई होगी 10% खराब, हां मेरे को पता था भाई, 30% डट्टी होगी। कोई बात नहीं भाई, ये गाड़ी उतारो नीचे उतारो, फिर इस गाड़ी को मैं अंदर रखवाता हूं। चलो भाई चलो जल्दी जल्दी काम करो। क्या कर रहे हो तुम, इतना तो काम भी नहीं कर रहे कुछ उसके अंदर। अच्छा ठीक है, खराब बहुत है भाई, ये गाड़ियां दोनों बहुत काम कर रहे हैं। इस गाड़ी को यहीं रखवा देते हैं। एक अपनी धन्नो रखी हुई है बगल में, धन्नो ये रही धन्नो, ओके इस धन्नो को यहां से हटाते हैं। और भाई धन्नो भी बहुत गंदी हो रखी है, इस गाड़ी को यहां से हटाते हैं, या फिर ये गाड़ी यहां रखी रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहीं रखी रहने देते, छोड़ो ये गाड़ी है अपने को बेचनी तो है नहीं, यहां पे 3 गाड़ियां आ जाएंगी। और गाइस मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मैंने एक बार तुम्हें याद हो और मैंने अपग्रेडेशन में ये स्लॉट अनलॉक कर दिए थे, तो वो स्लॉट भाई टो के थे, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक स्लॉट खोल रखा है तो वो एक ही बार टो हो सकती है गाड़ी, वैसे मैं यहाँ पे अलग अलग टो करने की जगह खोल सकता हूँ। तो बस इतना ही है भाई, एक बार रुको मैं गाड़ी ले आऊं, दोनों नीचे उतर गई है तो एक लेके चलते हैं गाड़ी। अल्लाह भाई ये वाली गाड़ी दे दे, या फिर एक काम कर इस गाड़ी को तू है ना टो ही कर दे। और कितने रुपए ले रहा है ये और देखने दो, 147 रुपीज है, और इसको टो करने का 1 रुपए भी नहीं लगा। ओके गाइस वो स्लॉट खोलने का अपने को कुछ तो फायदा हुआ, लेट्स गो। इस वाली गाड़ी को मैं खुद ही अंदर रखवा देता हूँ, एंड यहाँ रुक जा। चल भाई इसको सही कर, कितने रुपए लग रहे हैं भाई, 110 का चूना लगवा दिया और वो मेरी वजह से लगे हैं ये 110। तो इस गाड़ी में बैठते हैं, इस गाड़ी को लेके चलते हैं साफ कराने, ठीक है। चलो भाई इस गाड़ी की भी टेस्टिंग कर लेते हैं, इस गाड़ी को भी मैंने चलाया नहीं था, अपने आप मैंने यहीं पहुंचवा दी थी डायरेक्ट, ठीक है। अच्छी खासी चल रही है, नाइट्रो नहीं है इसमें लेकिन फिर भी बहुत तगड़ी चल रही है। चलो भाई अंदर लो। और ये गाड़ी किसकी रख रखी, तेरी साले गाड़ी, एक सेकंड, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा, मेरी गाइस अमीरी देख रहे हो, खुद गाड़ी यहां रखवा के खुद ही भूल जाता हूं कि गाड़ी मैंने साफ करवाने रखी थी। अरे देख गाइस वो थोड़ा हिसाब में कच्चा हूं, मेरे को पता नहीं मैंने कितनी गाड़ी ले रखी है, एक सेकंड रुको मेरे को हिसाब रखना पड़ेगा भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। चल अबे तेरी साले, मैं जब बोल रहा हूँ तेरे को थोड़ा आगे पीछे चला लिया कर, मैं हूँ जब, शर्म नहीं आती भाई, मानते नहीं है लोग। चल 50 रुपए ले तू भाई, जल्दी साफ करके दो, जल्दी साफ करके दो, इस गाड़ी से घर जाने वाला हूँ मैं, और इस गाड़ी को डायरेक्ट सेल पर लगाने वाला हूँ, कम से कम भी नहीं तो 20,000 की तो बिकेगी यार ये, वो पता नहीं कितने की लाया हूं मैं। कितनी साफ हुई रे गाड़ी, एंड लेट्स गो, गाड़ी साफ हो चुकी है, फटाफट से इंजन स्टार्ट करो और आगे से मैं इसको आगे निकलवा लेता हूँ। अब लग रही है ना भाई गाड़ी, अब ला रहा हूँ मैं कुछ लग्जरियस गाड़ी, अभी भी इतनी हाईफाई नहीं है लेकिन फिर भी यार गाड़ी तो गाड़ी है। कहां मैं अपनी धन्नो जैसी गाड़ियां लेके आता था पहले, और अब कहां मैं ऐसी गाड़ियां लेके आ रहा हूँ, अंतर तो है ही गाइस। इस गाड़ी को अपन पार्क करवाते हैं डायरेक्ट अंदर की साइड, एंड थोड़ा सा बैक में लो, थोड़ा सा अंदर रखो, एंड ओके। चलो भाई इस गाड़ी को मैं लगवा देता हूँ सेल पे, और फटाफट से देखते हैं कितने में जा रही है, नॉट ऑन द सेल, ठीक है। ये मैं लेके आया था 7,387 में, इसको मैं आराम से 15,000 में बेच सकता हूँ, या फिर 15 की जगह 17,000 कर देता हूँ, गाड़ी महंगी है भाई, ठीक है। इस गाड़ी को मैंने लगा दिया, अभी मेरे को ये गाड़ी साफ करवा के लानी है, ये बहुत गंदी हो रखी है यार। बाकी इसमें देख रहे हो ऊपर पूरे पे रूफ विंडो है, चलते हैं फटाफट से, इसमें भी नाइट्रो नहीं है भाई, मेरी धन्नो बहुत सही है भाई, धन्नो में नाइट्रो है भाई, एक बार के लिए दिखाने के लिए सही, लेकिन नाइट्रो है तो सही। बाकी आज तक मैंने इसमें पेट्रोल भरा के देखा नहीं है, पेट्रोल कैसे भराते हैं वो भी देखना है। इसको पहले पीछे खड़ी करो वरना नखरे करेगा वो आदमी, इसलिए गंदा लगता है ये आदमी भाई, चिड़ सी है इस आदमी से। फिर भी देता हूं इसको पैसा हर बार, क्या ही बताऊं, काम कराना है ना। और गाइस देख रहे हो मैं सारी गाड़ी साफ करा के देता हूं, ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी मैंने ऐसी बेच दी हो, बल्कि दो दो बार भी साफ करा के दी मैंने अपनी गाड़ी। तो अभी दो गाड़ी तो मैंने साफ करवा दी है, और इसका कलर शायद व्हाइट ही आएगा एकदम प्रॉपर, देखते हैं भाई कितनी गाड़ी साफ हुई, एंड लेट्स गो। 90% गाड़ी साफ हो चुकी है, 10% और हो गई। चलो भाई, एंड जैसा कि मैंने बोलता एकदम प्योर व्हाइट गाड़ी का कलर है, चलाते हैं इसको आगे लेके चलते हैं। और ये गाड़ी कितने की खरीदी थी भाई, गाड़ी की प्राइस भूल जाता हूँ, कितने में क्या क्या खरीदी मैंने, लेकिन अभी 44,000 रुपीज उड़ा के आया हूँ ये जानता हूँ बस मैं। चलो फटाफट से चलते हैं और इस गाड़ी को भी सेल पे लगवाते हैं। इस गाड़ी को थोड़ा इधर पार्क करना है मेरे को, और एक कस्टमर भी आ रखा है उस गाड़ी के लिए, इसको मैं ढंग से पार्क नहीं कराता, इसको यहीं रख देता हूँ। चलो अबे रुक जा, रुक जाएगी, थोड़ा पीछे लो, एंड लेट्स गो, इंजन बंद करो। भाई तू कितने में ले रहा है गाड़ी, अरे तू आदमी बढ़िया है भाई, 30,000 की गाड़ी लेके गया है आदमी मेरे यहाँ से। भाई आगे जाके ज्यादा महंगी तो नहीं बेचता उसको, 12,000 की ले रहा है, एक सेकंड रुको मैं देख के आने, तो इस वाली को सेल लगाता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो गाड़ी मैंने 17,000 में लगा रखी है ना, ये गाड़ी मैं लेके आया था 7,500 में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी को सेल पे लगवा देता हूँ, ये 20,500 रुपीज की, इसको मैं वापस से 30,000 में बेचने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी 21,000 की गाड़ी लाया था, वो भी 30,000 में निकाली थी, ये भी 30,000 में निकाल दूंगा, शायद निकल जाए। बाकी इसके लिए दो कस्टमर आ गए, मैम आप बताइए आप कितना दे रहे हैं इसका। मैम इसका ऑफर कर रही है 11,000, नहीं यार ये मेरे को कितना ऑफर कर रहा था 12,000, और ये मैम ऑफर कर रही है मेरे को 12,600। एंड एक और बंदा आया, इससे और पूछ लेते हैं भाई, ये बंदा मेरे को इस गाड़ी की देने को तैयार है 12,500
500। तो भाई एक काम करते हैं, अच्छा वो बंदा तो गया ना, इन्हीं मैम को भेज देते हैं और ये मेरे को दे रही है इस गाड़ी के 12,600, बार्गेन करा के इनसे मांग लेते हैं 14,000। भाई 14,000 में ले जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, इससे कम नहीं हो पाएगा। देखो मैम सॉरी आई एम वेरी वेरी ओके लेट्स गो गाइस। शायद मैं इसको 15,000 में भी बेच सकता था बट कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी 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 बातें होती रहती है। 30,000 की गाड़ी में लेने आया है कोई। एंड द प्राइस इन बॉथरिंग विद द प्राइस वर्क फॉर मी। ओ भाई गाइस अगर अपन 20,000 की गाड़ी लाते ना तो 30,000 में आराम से बेच सकते हैं। और अभी मैं बताऊं क्या करने वाला हूं यार, क्या कह रहा हूं मैं इस गाड़ी को, एक सेकंड रुको, अगर दोनों राजी हुए ना तो इस गाड़ी को सेल से हटा दूंगा यार, सेम प्राइस देने में तैयार है। रुक जाओ 3100 31,000 बेच के देखते हैं, अगर ले जा तो ले जा। भाई नहीं मान रहे यार, हटा दूं क्या, शायद महंगी में भी लेने आ जाएंगे, लेट्स सी। भाई मेरे को इतनी आदत हो चुकी थी ना सस्ती में गाड़ी बेचने की, तो मैं इन पे ज्यादा प्राइस लगा ही नहीं रहा हूं। रुक जाओ रिमूव फ्रॉम सेल, वापस से इसको सेल पे लगाते हैं। 35,000 में मैं इसको लगाने वाला हूं एंड लेट्स गो। अभी भी मैंने इसकी ज्यादा प्राइस बढ़ाई नहीं है भाई, बढ़ा सकता हूं। बाकी अभी भी अपनी दो कार शायद लगी हुई है, अपनी है दोनों कार। ओके हां ये दोनों कार अपनी है भाई, ये दोनों कार रिपेयर हुई है कि नहीं हुई है। ओके ये कार रिपेयर्ड है, ये कार, अरे यार रिपेयर करना तो बावला है क्या भाई, रिपेयर कर दिया करना, जब गाड़ी भेज दी तो रिपेयर ही तो कराऊंगा चमन आदमी। चलो फटाफट से चलते हैं, इसको पीछे लेते हैं। और भाई ये अपनी BMW है एकदम मस्त, इसको पार्क करते हैं इधर की साइड, थोड़ा सा ओए ठुकना मत, थोड़ा सा अंदर चल जा बे, बहुत ज्यादा पिकअप है भाई, इतना नहीं चलेगा, थोड़ा सा आगे जा। ओके लेट्स गो, इसको पार्क कर दिया मैंने और इसके लिए कोई कस्टमर आया नहीं है भाई। 35,000 कर दी, कहीं महंगी तो नहीं कर दी गाड़ी। एंड ये गाड़ी मैं खरीद के लेके आया हूं 8,160, तो इसको मैं 20,000 में लगा देता हूं, आई थिंक सो शायद बिक जाएगी। एंड इसके लिए कस्टमर आया हुआ है, लेट्स सी कितने दे रहा है इसके, 33। भाई मैंने वो गाड़ी 30,000 में बहुत सस्ती बेच दी भाई, बहुत सस्ती बेच दी, वो विंटेज कार। और इसको मैं बोलता हूं 35, तो अच्छा मना ही कर दिया इसने, 34,000 में इसको ले जा, बट 34 बहुत कम नहीं बढ़ा रहा, 34500 ठीक है, इतने में तो इसको आराम से ले जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा डैमेज नहीं। एंड लेट्स गो गाइस 55,000 प्रॉफिट देख रहे हो भाई। एंड ओके BMW खरीदने के लिए भी मैम आ चुकी है, 20,000 इसके मैं लगा रखी है प्राइस एंड 13,000 ही दे रही है। 8,000-9,000 में इस कार को लेके आया था, अगर ये मेरे को 15,000 भी देती है तो इस कार को ले जाए। ओके भाई मैंने सारी गाड़ी बेच दी, 70,000 आ गए, सोचो अगर अब मैं गया हूं। और नहीं अभी एक गाड़ी और बाकी है, ये तो मैंने देखी नहीं भाई, और ये भी एकदम क्लीन होगी। ओके डर्टी पहले से ये कार, तो क्यों ना इसको मैं ऑफिस में खड़ी करवा देता हूं और इसको सेल पे लगा देता हूं, अगले दिन आके ये भी बिक जाएगी ठीक है, तो ये भी अपने यहां से चली जाएगी, इसको भी सेल पे लगा देते हैं। ये शायद ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, हाँ ये मैं लाया था सिर्फ और सिर्फ 2,000 की, इसको मैं बेच देता हूं 10,000 में, जितने देंगे भाई दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बड़ा प्रॉफिट कमाता हूं बड़ी गाड़ियों पे, छोटी मोटी गाड़ी पे मैं ध्यान नहीं देता। बंद करो ऑफिस, और आज के दिन मैं जाने वाला हूं अपनी धनों से अपने घर पे, लेट्स गो भाई। और आज रात में भाई मजा भी आएगा नाइट्रो लगाने में, रुक जाओ नाइट्रो लगा के देखूंगा, अभी नहीं, ये जो मोड़ आता नहीं ये बहुत गंदा मोड़ है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाई ब्रेक लगाए देखो अब जाके रुकिए, फिर भी ड्रिफ्ट करिए भाई, मैंने बिल्कुल भी नहीं मोड़ी, अपने आप ड्रिफ्ट हुई है। चलो यहाँ से वहां तक मैं नाइट्रो लगाने वाला हूँ, लेट्स गो। भाई क्या सही लगा भाई, क्या सही था भाई, क्या सही। और आते मैं आज अपन आज के दिन इसमें पेट्रोल भी भरा देते अपन, कोई बात नहीं। अब ये क्या हुआ भाई, एंड लेट्स गो, अपना कंटेनर आ गया है, यहाँ पे पार्क करते हैं अपन। गाइस देख रही है पूरी जगह मेरी है, क्या मतलब कि मैंने हड़पी हुई है, पूरी जगह मेरी है और मैं खिड़की में से भी अंदर सो सकता हूँ। गुड नाइट गाइस, बाकी 63,000 का आज अपन ने महा प्रॉफिट किया है, लेट्स गो। नेक्स्ट डे चलते हैं वापस से कार के अंदर, अब तो भाई इसको इतनी ठोकूंगा ना भाई, मेरे को मतलब ही नहीं है इस गाड़ी से, कितनी भी ठोक दूंगा इस गाड़ी को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें पेट्रोल भराना मेरे को अभी जाते में, तो लगाओ नाइट्रो। सिस्टम हिला देंगे सारा का सारा, ट्रैफिक जाम कर देंगे, ट्रैफिक जाम ये, और मैं इनसे सब क्या भाई, जितने की गाड़ी लाऊंगा ना उतना मैं इसमें पैसा लगा दूंगा भाई, पक्की बात है उसमें इतना पैसा लगा दूंगा, और उतने की बिकेगी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेकंड हैंड नहीं थर्ड हैंड कार हो जाएगी, लेकिन धन्नो अपनी धन्नो रहेगी भाई। लो अबे साफ क्यों करा दी, चलो ठीक है कभी कभी साफ भी कराना बनता है, पार्टी भाई पार्टी, धन्नो पार्टी, मेरे को ध्यान ही नहीं भाई बातों बातों में, मैंने इसको यहाँ घुसा दी कार वॉश में, कोई बात नहीं। बाकी गाइस अपनी शॉप पे अनपेड बिल्स रखे हुए हैं, और भाई गाड़ी जल्दी जल्दी साफ कर दे यार, ये तो अपनी प्यारी धन्नो है, तेरे को भी घुमा लाऊंगा, तू भी क्या याद रखेगा भाई, जल्दी जल्दी साफ कर ले, मैं भी नहा लेता हूँ इसके अंदर, नहा लिया मैं, हुई कि नहीं साफ, अबे अभी तक देख जा। ओके भाई ग्रे कलर की बन गई वापस से, चल भाई मेरी धन्नो आवाज बहुत करती है यार, ऑडी ले लूंगा, लेकिन धन्नो को बेचू नहीं, बताओ गाइस क्या कहते हो, इस धन्नो को मैं अपने पास रख लूंगा, बेचूंगा नहीं, अपनी सबसे फर्स्ट गाड़ी हो जाएगी। हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं अपन, देखेंगे बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं अपन। अबे गाड़ी क्यों रोक दी, थप्पड़ मार दूंगा साला, फालतू में गाड़ी रोकी तुम लोगों ने, मेरी गलती थी क्या, इस गाड़ी को यहाँ पे पार्क करो ठीक है, अपनी जगह है पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आए तो बता देना, नलिन डॉन आया था नलिन डॉन। चलो भाई सारा कचरा उठाओ इसमें डालो, भाई कितना
इतना कचरा फैला के गए। चलो भाई, हाँ सर आप बताइए आप कितने में लेना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी। और ये गाड़ी के 10,000 प्राइस लगाइए, 2,000 में लेना चार साढ़े ठीक है 2,000 में लेके आता गाड़ी को, बार्गेन करते हैं 5,000 और ले जा गाड़ी, चल ले जा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 5,000 सिर्फ मना 4,000 यू नीड टू थिंक, तो थिंक करके भाई ले लेना, चल 3,500 में ले ले, हटा भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, चल 3,000 में ले, 400 रुपए बढ़ाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ले जा, चल जा, हाला इसमें कांग्रेचुलेशन। चलो भाई अभी मेरे को कहां जाने का था, हां अभी मेरे को ऑफिस में जाने का था, और जो है पेड बिल्स, एक सेकंड मेरा सर चकरा रहा है भाई, गाइस इस गाड़ी को वॉश नहीं करानी थी, रिपेयर नहीं करानी थी, पेट्रोल भराना था। वाओ गाइस, वॉश करा के ले आया मैं इस गाड़ी को, कोई बात नहीं अभी नेबर रोड जाएंगे जब भरा लूंगा मैं पेट्रोल, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे बिल्स कहां है भाई ये बताओ मेरे को, बिल्स जो है कार के 5,200 रुपए, ये काई बात के भाई, यार भाई कार के पैसे कौन से लग रहे मुझे ये तो बताओ कोई, लेकिन ठीक है पे कर दिया है जो भी अमाउंट था। और आरए बैंक है, वेलकम टू द बैंक, और अपन यहाँ पे शायद 2,00,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं, हैं? और अपने को कितना अमाउंट रिफंड करना है वो भी पता लगा सकते हैं। तो अगर अपन 2,00,000 रुपए लेते हैं तो अपने को 2,20,000 रुपए रिटर्न करना पड़ेगा, और वीकली पेमेंट 44,000 का, बुरा नहीं है भाई, लेकिन अभी नहीं ले रहे, अभी अपन शांति से अपनी कार सेल करते हैं, 70,000 रुपए पहले से पड़े अपने पास, ठीक है। तो चलते हैं अपनी धनों से नेबरहुड, और इस बार याद रख के इसमें पेट्रोल भराना है, कुछ भी हो जाए भाई, क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है, एंड पे आ गया, ओ शिट शिट पहुंच जाएगी ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गैस स्टेशन तक तो पहुंच जा रही है, दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अपन लगवाते हैं यहाँ पे, ले भाई भर दे, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है क्या, अरे भाई उतर के भरना पड़ेगा, ज्यादा फॉरेन कंट्री बना, चलो भाई कोई बात नहीं, इतने में मैं उसका पाइप लेके आ जाऊंगा, खींच के भर तो जाएगी जहां तक उम्मीद है। आई कांट ऐड फ्यूल, प्लीज पार्क योर कार इन द मिडल, तेरी ऐसी गुद्दी लाल करूंगा, ऐसी गुद्दी लाल करूंगा, ले भाई ले, एकदम मिडल में पार्क कर दिए कार, ठीक है, और पेट्रोल के दाम ज्यादा बताया अगर तूने, यार अलग डर के आगे चली जाती है भाई, कोई बात है, ले भाई अगर तूने इस मशीन में कुछ गड़बड़ कर रखी हो, ओके ऐड फ्यूल पेमेंट कहां पे लिखा आएगा, हैं साला एक एक रुपए का एक एक पॉइंट पेट्रोल आ रहा, फुल करती गई, ऐसे पैसा जाता है, ऐसे पैसा जाता है जैसे पेट्रोल भराई पैसा गया, पेट्रोल भरा पैसा गया, कोई बात नहीं गई, पैसा बहुत है, फुल टंकी करा के निकलता हूं, इसी कर दी गई कारों ने किसी ओ भागो एंड लेट्स गो, भागो भाई, नाइट्रो लगा के ना सारा पेट्रोल खराब कर देता हूं मैं, ये बच गया बच गया, नेब रोड जाने का है मेरे को, सामने है नेब रोड, लेट्स गो, कोई बात नहीं गाइस कोई बात, होता रहता है होता रहता है, 70,000 रुपए लेके आया हूँ, किसी के अंदर जोर है जो मेरे को मना कर सके गाड़ी बेचने के लिए, चलो भाई सब मेरे आगे लाइन लगाओ जिसको गाड़ी बेचनी, चलो इधर इधर, कोई नहीं आएगा, छोड़ो मैं ले लेता हूँ जा जाके गाड़ी, ठीक है। और ये लग रही है गाड़ी बहुत तगड़ी वाली भाई, ये गाड़ी ना मेरे को रखनी है यार ऐसी, लेकिन भाई बहुत महंगी बताएगी फिर, इसको बेचना ही पड़ेगा 32,000 की, मेरे को पता था, एक गाड़ी लेके जाए कि नहीं लेके जाए, लेट्स सी गाइस, अगर ये मेरे को ना 25 बार्गेन करा के देखेंगे, पहले बहुत ज्यादा बार्गेन है मुझे पता है, लेकिन फिर मैं बढ़ा दूंगा 25,000 में इसको लेना चाह रहा हूँ, ठीक है मना कर दी, 32,000 की है तो इसको 28,000 में दे दे भाई, अब तो दे दे यार, देख कुछ नहीं है, 2,000-3,000 रुपए कम कराए द प्रैक्टिकल, ओके भाई भाई बाहर में गई वो वाली कार, जहाँ रखिए रखे रहने दो धनों को। और ये देखो अभी मैंने दवाई नहीं है, अभी मैंने दवाई नहीं है, ये देखो भाई, अरे नहीं यार जगह ही नहीं है इतनी भगाने जैसी, तो रुक जाओ भगाना है भाई मेरे को इस कार को, और भाग नहीं रही थी, बच गया बच गया भाई बच गया, लेट्स गो इसको लेके चलते हैं एक बार सड़क पे लेके चलते हैं, अब भगा के देखते हैं, और भाई धीरे धीरे क्या स्पीड पकड़ रही है भाई, क्या स्पीड पकड़ रही है, ओए ओए नहीं नहीं ठुकना मत ठुकना मत ठुकना मत ठुकना मत ठुकना मत, और रोक दे गाड़ी रोक दे गाड़ी रोक, चल भाई चल 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 वापस चल, क्या पता गाइस ये वॉश कराने में कार एकदम मस्त हो जाए, एक बार मैंने इसका देखा भी नहीं कितना डैमेज है कितना नहीं, और अपनी धनों को वहीं छोड़ा है रास्ते में भाई जहां रखी थी, धनों की इज्जत ही नहीं है, लेकिन भाई मेरे से ऐसी कार ही संभल सकती है, क्योंकि अगर ऐसी कार में लेके चल दिया ना तो पता नहीं कितनी बार ठोकूंगा, इसलिए मैं कार रखना चाह नहीं रहा हूं, ठीक है इसको वॉश कर ब्रो तू, मैं देखता हूं, और इसका शायद काला पेंट हो ना भाई मजा आ जाए, काला ही है वैसे मेरे को लग रहा है काला ही है, एक बार वॉश हो जाए बस फिर पता पड़ जाएगा क्या पेंट है इसका, तो ओके लेट्स गो, अपनी कार वॉश हो चुकी है, और ये डैमेज है शायद, ये डैमेज है देखने दो, कार डैमेज बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर वही दिक्कत है भाई, लेकिन मैं गेम रिस्टार्ट करूंगा तो ये दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। चलते हैं अपनी शानदार कार को लेके अपने ऑफिस में, और इसको रखवाते हैं भाई, देखते हैं कितने में बिक्री कितने में नहीं, लेट्स गो फटाफट से चलो भाई ऑफिस। अबे ये यहाँ क्यों, ये कार को यहाँ स्लो क्यों करते हैं, देखना कितनी स्लो कर रखी है भाई इस बंदे ने कार को यहाँ। बाकी गाइस कार मैंने यहाँ लगवा दी है, थोड़ा सा आगे स्टॉप करो, इंजन बंद करो, उतरो, और ये एक ही सेकंड एक झटके में ये लो, ये देखो भाई हो गई ना एक झटके में सही, क्योंकि भाई बस रीस्टार्ट करना होता है, अगर कार डैमेज नहीं है ना तो वो जो रस्ट वगैरह है वो सही हो जाती है, पता नहीं ग्लिच है या फिर क्या दिक्कत है गेम की, लेकिन अपनी कार धनो भाई यार क्या लग रही है, ब्लैक भाई एक तो ब्लैक और है, ऑफिस ओपन करो, और गाइस इस कार को मैं डालने वाला हूँ पूरे पूरे 50,000 में, और अभी कितने में बिकेगी वो देखना बाकी है, बाकी ये 30,000 की लाया हूँ करीबन करीबन, 30,000 उसने प्राइस बोली थी, बार्गेन करा के मैंने 28 करवा,
ली है, बाकी 50,000 में मैंने इसको सेल पे लगवा दिया है। रात हो गई है, कोई बात नहीं, ऑफिस को करते हैं क्लोज। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अभी अपने को ये देखना है कि कार कितने में बिकती है। भाई 50,000 की लगाई है और मुझे पूरी उम्मीद है 50,000 में निकल जाएगी। बाकी इसका अगला एपिसोड मत मिस करना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बाकी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।